जी हाँ नमस्कार साथियों तो एक और बड़ी खबर कोटा जिले से मिल रही है जिले में अनैतिक कार्य करने का एक और बड़ा मामला सामने आया दरअसल ये मामला आपको बता दें कि शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति काफी लंबे समय से नशे का आदि था और इसी के चलते दोनों पति पत्नी में काफी अनबन रहती थी काफी विवाद रहना लगा और इसी के चलते इसे परेशान होकर पत्नी उसे छोड़कर अपने पियर पक्ष में रहने लगी वही महिला की छोटी बहन कॉलेज जाती थी और इसी के चलते आरोपी उसे लेकर अपने घर पर पहुंचा और वहां पे तीन से चार दिन रखा और इसी के चलते उसके साथ अनैतिक कार्य करने की बड़ी वारदात को अंजाम देता रहा वहीं आपको बता दें कि जब लड़की घर पर नहीं पहुंची तो उन्होंने अपने दामाद पर अंदेशा जताया वहीं पुलिस को रिपोर्ट दी इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी वहीं आपको बता दें कि परिजन दामाद के घर पर पहुंचे तो वहां पर लड़की को देखा और इसी के चलते पूछताछ की तो इस वारदात के चलते कबूलनामा किया है और इसी के चलते आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दिए वही बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातमा ने बताया की आरोपी की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी और वह नशे का आदि था इस सबसे तंग आकर उनकी पत्नी पीहर पक्ष में रहने लगी और अठारह दिसंबर आरोपी कॉलेज से अपने उसकी छोटी बहन को अपने घर पर लेकर पहुंचा इस वारदात को अंजाम दिया इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है मामले की जांच पड़ताल की जा रही है दोस्तों आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों